Asalamu alaikum, dear viewers, especially dear students. This is me, Tanvi Ramad. I'm a teacher at BHSS Yunzu. Today I am going to deliver a lecture for class 12. Subject is education, and our topic is moral and social activities. Moral एंड सोशल एक्टिविटीज इखलाकी और समाजी अमल जो स्कूल में होता है कौन कौन सा होता है तो सबसे सबसे पहले इसमें मॉर्निंग असम्बली है मॉर्निंग असम्बली मॉरल एंड सोशल एक्टिविटीज के सारे तले आता है यानी ये मॉरल दैट इज अखलाकी एंड सोशल एक्टिविटीज और समाजी अमल इसमें स्कूल में कौन कौन सा होता है जहां तक मॉर्निंग असेंबली की बात है ये आप देख भी सकते हो यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द स्कूल यानी कि सबसे पहला काम यही होता है स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो सबसे पहले मॉर्निंग असेंबली उनको अटेंड करनी पड़ती है टू स्टार्ट विथ शुरू मॉर्निंग असेंबली से ही स्कूल का काम काज है मॉर्निंग असम्बली से शुरू होता है हियर ऑल द स्टूडेंट एंड द मेम्बर्स ऑफ द स्टाफ आर टू असम्बल एट वन प्लेस वायर प्रेयर यहां पर सब बच्चे और उस साहिबान जिनमें प्रिंसिपल साहब या हेड मास्टर साहब जो कोई भी टीचिंग एण्ड नॉन टीचिंग स्टाफ भी इसमें मौजूद रहता है सवेरे स्कूल में आते ही सारे बच्चे इसमें जुमा होते एक जगह पे और वहां पर प्रेयर्स यानि दुआए की जाती है प्रेयर साबिंग हेल्ड अर्ली इन द मॉर्निंग इन मॉर्निंग असेंबली ये जो मॉर्निंग असम्बली इट्स ए कोकरिकुलर एक्टिविटी एंड इट इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मॉरल एंड सोशल एक्टिविटीज सो यहां पे सब बच्चे सवेरे सवेरे बच्चे क्या सारे स्टाफ मेंबर्स भी उस साहिबान या लेक्चरर साहिबान होते हैं हायर सेकेंडरीज में तो सब एक जगह जगह पे जुमा हो जाते हैं तो वहां से सब पहले प्रेयर्स पड़ी जाती है प्रेयर्स दी जाती है तो दुआएं की जाती है इंस्ट्रक्शंस आर इशूड इंस्ट्रक्शंस आर इशूड यानी इंस्ट्रक्शंस में आप यूं समझ लीजिए कि जब वहां पे प्रेयर्स खत्म होते हैं दुआ खत्म होती है फिर इंस्ट्रक्शंस दी जाती है स्कूल के द्वारा कोई उसा, उस्ताद आगे आके इंस्ट्रक्शंस देता है हदायत देता है कुछ तालीम व तरबियत का वहां पर होता है असलाह की जाती है नसीहत की जाती है बच्चों को हुक्म भी दिए जाते, है, जाते हैं वहाँ पर कुछ एहमाम भी दिए जाते हैं तदरीसी अमल के लिए तो तलकीन की जाती है वहाँ पर और इतला भी दी जाती है वहां पर मॉर्निंग असम्बली में बच्चों को तो इसके बाद यहां पे आप देख सकते हो तो इशूड एंड अनाउंसमेंट्स आर मेड जैसे कि मैंने अभी भी बताया इतला भी दी जाती है कोई इतला होती है स्कूल के मतलब बेहतरी के लिए बच्चों की बेहतरी के लिए उसमें वो दी जाती है एंड सिमिलर ब्रीफ इथिकल स्पीच आर डिलीवर्ड एंड सिमिलर अदर एक्टिविटीज आर अरेंजड तो ब्रीफ इथिकल मीन्स इखलाकी दर्ज भी दिया जाता है यहां पर मैं ये कहूं यहां पर अगर बच्चे की अखलाक नशो होती है वो तकरीबन तकरीबन सत्तर फीसदी अस्सी फीसदी यहां पर ही होती है मॉर्निंग असम्बली में बच्चे की यानी अखलाकी इखलाकियात पे यहां पर ज्यादा जोर दिया जाता है चूंकि सब लोग जानते हैं कि आज कल के दौर में अखलाकियात का अखलाकी गिरावट आ चुकी है तो ये यह यहां पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो मॉर्निंग असम्बली है इसमें ज्यादा से ज्यादा जोर अखलाक पे ही दिया इखलाक तालीम पे ही दिया जाना चाहिए क्योंकि आजकल दुनिया बिल्कुल की गिरावट से जूझ रहा है तो आप यूं समझिए ये जो इखलाकी दरस है ये इसी पे दिया जाता है मॉर्निंग असेंबली पे दिया जाता है तो इसमें एक यहां पे एक एजुकेशनिस्ट है प्रोफेसर फ्रुटवेल ही कॉल द स्कूल असेंबली एज अ टाउन मीटिंग ऑफ द स्कूल जैसे कि एक टाउन मीटिंग होती है एक टाउन होता है कस्बा होता है उसमें मीटिंग होती है इर्द गिर्द के लोगों के कस्बे के लोगों के इसी तरह से स्कूल जो होता है इसमें भी एक जूरिस्टिक्शन होता है एक इलाके के बच्चे आते हैं उनमें उनके दरमियान भी मार्निंग असम्बली के मार्निंग असम्बली के वक्त एक मीटिंग हो जाती है एक समाजी बेदारी पैदा होती है उस वक्त द इज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू फील दैट द स्कूल इज एन ऑर्गेनाइज ग्रुप एंड सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी स्पिरिट इसमें बच्चा मतलब समाजी रूह इसमें फों की जाती है जब बच्चा इसमें आता है मॉर्निंग असम्बली में आता है तो वो उसमें एक कम्युनिटी स्प्रिट डेवलप होता है समाज में रहने की उसमें रूह बेदार होती है कि समाज में किस तरह से रहते हैं कैसे रहते हैं यानी कि मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि स्कूल इज माई नेचर सोसाइटी एक छोटा समाज वहां पर क्योंकि इसमें बहुत सारे इर्द गिर्द के एरियाज के बच्चे होते हैं तो उनका रहन सहन अलग होता है जो जब म, जब ये एक ही जगह जुमा होते हैं तो इसमें एक ही माइनेजर सोसाइटी बनते हैं समाजी रूह इसमें फों बच्चे में फों की जाती है दैट इज नॉट पॉसिबल इफ इन द्लास रूम इफ द्लास रूम आइसोलेट यानी कि अलग अलग जगहों पर यह पॉसिबल नहीं है मिलजुल के ये पॉसिबल है मिलजुल के ये सब पॉसिबल है जब मिलजुल के ये एक ही जगह पे जुमा हो जाते हैं चाहे वो मेडिकल का हो आर्ट्स का हो कॉमर्स का हो सब एक जगह जगह जुमा होते हैं बच्चे तो उनमें एक कम्युनिटी फीलिंग आती है ये मॉर्निंग असेंबली के एक मतलब एक बहुत ही बेहतरीन फायदा है इसमें कम्युनिटी फीलिंग आती है और इसमें सबसे ज्यादा मैं कहूं कि कम्युनिटी फीलिंग एंड मॉरल अपग्रे अपडेशन इसमें मॉरल अपडेशन और कम्युनिटी फीलिंग दीज आर द मोस्ट बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग असेंबली तो आप ये समझ लीजिए कि अलग अलग में ये पॉसिबल नहीं है द मॉर्निंग असेंबली प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द हेड मास्टर और प्रिंसिपल एंड टू द टीचर्स टू गिव एंड टेक ऑन टू गिव टॉक्स और टू गिव लेस ऑन वेरियस टॉपिक्स जनरल इंटरेस्ट मतलब इसमें प्रिंसिपल साहब आगे आके आगे आता है या हेड मास्टर साहब आगे आते हैं शारजा साहेबान भी आगे आते हैं तो वो इसमें जनरल इंटरेस्ट की बातें करते हैं <coughs> इसमें आगे आके नसीहतें करते हैं कुछ इतलाह दी जाती है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया इसमें जनरल इंटरेस्ट के बारे में भी बात की जैसे कि हेल्थ है हेल्थ एंड हाइजीन है साफ सफाई के बारे में बात की जाती है रीडिंग हैबिट्स के बारे, बारे में बात की जाती है रूल्स ऑफ द रोड एट्सट्रा एट्सरा ऑल दीज थिंग्स आर बी डिस्कस्ड इन दिस मॉर्निंग असम्बली यानी कि यहां पर मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि मॉर्निंग असम्बली जो है इट इज द इट इज वन ऑफ द बेस्ट को करिकुलर एक्टिविटीज इसमें सबसे ज्यादा मॉरल एंड सोशल एस्पेक्ट पे ज्यादा ये थ्रस्ट रहता है तो इसमें मॉर्निंग असम्बली में ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई किसी बच्चे को छूट दी जाती है हर एक बच्चे को वहां पे आना होता है और ये लाजमी बनता है हर एक उस उस्ताद के लिए भी कि वो मॉर्निंग असम्बली अटेंड करे तो इसका भी एक बहुत ही बेहतरीन ये फायदा है कि इसमें मॉरल और सोशल अवेयरनेस होती है जो क्लास में ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर वक्त इसमें है अपडेशन के लिए ये फिर अपडेट नहीं हो पाता है तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे ही खत्म किया जाना चाहिए शुक्रिया आपका बहुत